दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी प्रवेश परीक्षा के लिए जो पत्र जारी होते हैं, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो जारी होते हैं वो कब होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी कल ही था एडिटिंग का ऑप्शन, कल तक यानी 15 सितंबर तक हम लोग एडिट कर सकते थे। आज है 16 तारीख और आज के दिन आप देखेंगे कि आपको आपको लग रहा होगा कि अब एडिटिंग का ऑप्शन खत्म हो गया है, तो हमें एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देना चाहिए। BHU में कुछ इस साल बहुत अच्छा नहीं हुआ है। क्या अच्छा नहीं हुआ है कि जो भी CHS में टेस्ट हुआ करते थे उसमें मार्क्स के बेसिस पे लॉटरी सिस्टम करवा दिया गया है, यानी BHU के स्कूल में टेस्ट ही नहीं हुआ है, जिससे बच्चे बहुत सारे नाराज हैं। सिर्फ बच्चे ही छोटे नाराज नहीं है, ये जो शोधकर्ता है, जो रिसर्च वाले हैं, जो PhD वाले हैं, उन्होंने अभी वाइस चांसलर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं बच्चों के साथ और आप लोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं किसका, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर VK शुक्ला जी को इन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, बोला है कि इस वर्ष अप्रैल माह में ही परीक्षा हो गई थी, अप्रैल माह में इस साल हो गई थी, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया, इसके मतलब कुछ गड़बड़ पैदा किया जा रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए आप लोग लेट कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में टेस्ट हुआ था तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और PhD में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं जितना UG PG में होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि BHU में कुछ अच्छा नहीं चल रहा स्कूल में भी और PhD छात्रों के लिए भी, इसलिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी खोला जाए, तो यूनिवर्सिटी तो खुली है, लेकिन अब एडमिट कार्ड की बात हो रही है कि एडमिट कार्ड कब आएगी, कब आ सकती है। तो एडमिट कार्ड के लिए प्रोस्पेक्टस पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम NTA वेबसाइट। NTA वेबसाइट पे कब डाउनलोड किया जाएगा, तो इन्होंने कोई डेट नहीं दिया है, इन्होंने लिखा है टू बी अनाउंस लेटर थ्रू वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे बताया जाएगा। तो जब भी आपका टेस्ट होगा, जिस डेट को टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपका टेस्ट का डेट है तो उस टेस्ट के डेट से 10 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। हमेशा प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है 1 वीक बिफोर, मतलब 1 सप्ताह बिफोर आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। तो कभी 10 दिन पहले भी आता है, कभी 6 दिन के अंदर आता है, तो 10 दिन का अप्रोक्सीमेशन लेके चले। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको पहले इतला कर देती है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ा है। अभी हाल फिलहाल में NTA में, JEE में और NEET में घोटाला हुआ है, इस वजह से अभी हो सकता है कि एडमिट कार्ड और लेट से जारी करे, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर तो बता दे कि किसका कहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे बच्चे पहले से प्लानिंग कर लें, बस का टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो, रहने का हो, खाने का हो, सब चीज़ व्यवस्था कर लें तो अच्छा होगा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस साल बहुत अच्छा कुछ नहीं रहा, वो आप लोग भी जानते हैं, और एडमिट कार्ड के लिए आप लोग क्यास लगा रहे थे, तो आपका एडमिट कार्ड आपके टेस्ट के 1 सप्ताह पहले रिलीज किया जाएगा एज पर नोटिस। ठीक है, मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।